हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी इंडियन टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको जियो F10Q में हार्ड रीसेट इसे कैसे करते हैं इसी के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आपका फ़ोन हैंग करता हो या फिर ऑन करने के बाद ये जियो लिखकर आता है और रुक जाता है, या फिर आपके फ़ोन में कोई भी पिन लॉक लगा हुआ है, तो आप उसे हार्ड रीसेट करके आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पावर बटन और ये दोनों बटन ऊपर वाली और नीचे वाली तीन बटन को एक साथ आपको प्रेस करना है। पावर बटन, वॉल्यूम प्लस बटन और वॉल्यूम माइनस बटन, तीनों को एक साथ दबाना है। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है कि इसे कैसे करना है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके होम बटन में जो चार बटन बने होते हैं उसमें ये साइड वाली बटन को आपको दबाना है, और दबाने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर आना है। उसके बाद आपको बीच वाली बटन से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको चार नंबर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर चार नंबर जो लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करना है और बीच वाली बटन से ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर फिर से आपको चार नंबर की ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ से हम चार नंबर के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद इस वाली बटन को दबा देना है। दबाने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, और वेट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने हार्ड रीसेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन आ चुके हैं। अब हम डाउन बटन से फैक्ट्री रीसेट को सिलेक्ट करके पावर बटन को दबाएंगे, उसके बाद यस पर सिलेक्ट करके पावर बटन को दबा देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारा फ़ोन रीसेट होने लगेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हार्ड रीसेट करने से आपके फ़ोन में लोगो स्टॉप प्रॉब्लम या फिर पिन लॉक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।